नमस्कार, जय गुरुदेव। आज कक्षा 9 में हम चौथी इकाई, जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन, पढ़ेंगे। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जन्म सन ईस्वी सन 1908 और निधन सन ईस्वी सन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसमें मुक्ति का संघर्ष है। उनकी रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत काव्य की बात करें तो ये खंड काव्यांश हैं, जो रश्मिरथी से लिया गया है। रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। अब शुरू करते हैं ये काव्यांश। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए जाते हैं दूत बनकर। तब कर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण से उत्तर देता है कि मुझे वैभव और विलास की कोई इच्छा नहीं है। वैभव विलास की चाह नहीं, मतलब मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे धन दौलत संपत्ति प्राप्त हो। अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे धन दौलत सुख समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है और ना ही मुझे कोई अपनी परवाह कि मैं युद्ध के क्षेत्र में शरणागति यानी कि वीरगति प्राप्त हो जाऊंगा, उसका भी भय जो है मुझे नहीं है। बस यही चाहता हूँ, केवल
दान की देव सरिता निर्मल। कर्ण जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरी एकमात्र इच्छा है, एकमात्र चाह है, और वो चाह, वो इच्छा ये है कि भगवान श्री कृष्ण, मैं जब तक इस पृथ्वी पर रहूं तब तक मेरे से जितना भी हो सके और सामने वाला जितना मांग सके उतना दान जो है मैं दे सकूं, और ये दान रूपी सरिता यानी कि नदी जो है निर्मल नदी मेरे से प्रवाहित होती रहे, बहती रहे, चलती रहे, करतल से जरती रहे सदा। मतलब करतल मेरी हथेली से ये दान की जो नदी है वो नदी हमेशा के लिए बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। मतलब जो गरीब है, निर्धन है, ऐसे लोगों के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए ये सरिता जो पवित्र दान रूपी नदी है वो मेरे करतल से, मेरी हथेली से हमेशा के लिए बहती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, उसके लिए तुच्छ यानी सामान्य है राज्य क्या है केशव, मतलब उसकी नज़र में राज्य या राज्य की संपत्ति जो है कुछ मूल्यवान नहीं है, कुछ मूल्य उसका नहीं है, जिसके जीवन का हेतु मात्र दूसरे को मदद करना है, दूसरे की गरिबाई दूर करना है, उसके लिए धन दौलत कुछ है ही नहीं, उसके लिए राज्य पाना भी कुछ नहीं है। पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, मतलब कर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि नर यानी इंसान मनुष्य वैभव प्राप्त करके क्या हासिल कर लेता है, कुछ भी तो नहीं। चिंता प्रभूत अत्यलप हास, कुछ चाक्य चुक्य कुछ क्षण विलास। मतलब धन आ जाने के बाद उसकी सुरक्षा की चिंता होती है, अत्यलप हास मतलब अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो थोड़े ही क्षण में जितना भी धन होता है उसका हास यानी कि विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ चाक्य चिक्य कुछ क्षण विलास मतलब थोड़ी देर के लिए हमें संपत्ति के माध्यम से दुनिया की सुख सुविधा आ जाने से चकाचौंध जो है दिखती है, कुछ क्षण भोग विलास हम कर सकते हैं पर वह भी यहीं गंवाना है। कर्ण जो है कहते हैं कि ये सब यहीं पर छोड़कर जाना है, यहीं पर गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मतलब इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद ये सारा धन वैभव यहीं पर छोड़कर जाना है, कुछ साथ आने वाला तो है नहीं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, मतलब मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कभी कंचन यानी सुवर्ण सोना उसका भार वो कभी ढोते यानी कि उठाते नहीं हैं। मतलब उसको सोने या अलंकारों से या आभूषणों से कोई मोह नहीं होता। किनको, तो कर्ण कहता है कि जो मेरे जैसे स्वभाव वाले होते हैं ऐसे मनुष्य को धन संपत्ति की कोई लालच नहीं होती। पाते हैं धन बिखराने को, मतलब वो लोग धन प्राप्त करते हैं तो दूसरों को देने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। लाते हैं रतन लुटाने को, अगर वो रत्न हीरा ये सब लाते हैं तो भी दूसरों को देने के लिए ही लाते हैं, दूसरे पर लुटाने के लिए ही लाते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, मतलब इस दुनिया से ऐसे लोग कभी कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ लेते नहीं हैं, दान ही हृदय का देते हैं। मतलब जो उनको सबसे अधिक प्रिय होता है
ऐसी चीज वस्तुओं का वो अपने दिल से दान दिया करते हैं, दूसरों की मदद किया करते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर। प्रासाद मतलब जो राजा या महाराजाओं के जो महल होते हैं या मंदिर होते हैं, उनके कनकाब मतलब जो ऊपर से सुवर्ण शिखर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, तो कवि कहते हैं कि होते कबूतरों के ही घर, मतलब मंदिर या महल हमेशा उनके शिखर पर कबूतरों का ही घर होता है। महलों में गरुड़ न होता है, मतलब कर्ण जो है अपनी तुलना गरुड़ के साथ करते हैं और कहते हैं कि मेरे जैसा जो गरुड़ के स्वभाव वाला व्यक्ति है वो कभी महलों में नहीं होता। कंचन पर कभी न सोता है, मतलब वो सुवर्ण की सैया पर कभी सोता भी नहीं है, मतलब सोने या आभूषण या धन संपत्ति से कभी उनको मोह नहीं होता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, मतलब उसका जो बसेरा होता है वो पहाड़ों में होता है। गरुड़ जो है कभी मंदिर या महल के छत पर शिखर पर कभी अपना बसेरा नहीं करता। गरुड़ हमेशा पहाड़ों की दरारों में रहता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। सैलो मतलब पर्वत जो होते हैं, शैल उसे कहा जाता है। तो मेरे जैसे गरुड़ जैसे स्वभाव वाले लोग जो हैं वो पर्वतों की फटी दरारों में अपना बसेरा करते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। कवि यहाँ कर्ण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि के अधीन होता है, जिनको सुख समृद्धि से अधिक मोह होता है, ऐसा मानव होता नित तपक्षीण, मतलब ऐसा मनुष्य जो है नित यानी हर रोज कमजोर हो जाता है। तपक्षीण मतलब उसकी जो तेज है उसका प्रभाव जो है दिन ब दिन क्षीण होता जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। कवि कहते हैं कि जिसके भी हाथ में सत्ता होती है, जिसके माथे पर किरीट यानी कि मुकुट होता है, मणिमय आसन जो मणि के आसन पर बैठता है, ऐसे मनुष्य का तेज जो है ये सत्ता ये आसन और ये मुकुट जो है वो इनका तेज जो है हर लेते हैं, इनका प्रभाव जो है कम कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, मतलब ऐसा मनुष्य जो है वैभव के लिए उसके मन में लालच उत्पन्न होती है, ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। मतलब यही लालच जो है कवि कहते हैं कि मनुष्य को खा जाती है, उसको समाप्त कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमुधर कोमल। मतलब कवि यहाँ पर कर्ण के माध्यम से कहते हैं कि चांदनी मतलब रात की जो रोशनी होती है, पुष्प छाया में पल मतलब फूलों की छाओ में पल कर नर गले बने सुमधुर कोमल, मतलब मनुष्य के जो गले होते हैं उनका कंठ जो होता है वो सुमधुर हो जाता है, कोमल हो जाता है। पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना। कवि कहते हैं कि जो अमृत है कलेश का पिए बिना, मतलब जो समस्याओं रूपी जहर पिए बिना, आतप अंगड़ से में जिए बिना, मतलब जो आप
आतप का अर्थ होता है विपत्ति, अंगड़ मतलब आंधी होता है। ऐसे माहौल में जो जीता नहीं है, जहर जो पीता नहीं है, वह पुरुष नहीं कह सकता, कहला सकता। मतलब ऐसे मनुष्य को जो समस्याओं का सामना करना नहीं जानते, समस्याओं से कभी लड़े नहीं है, ऐसे पुरुष को पुरुष नहीं कहा सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मतलब ऐसे इंसान जो है, ऐसे मनुष्य जो है, उसके सामने जो भी विघ्न होते हैं, ऐसे विघ्नों को वो दूर नहीं कर सकते, वो ऐसे विघ्नों को हिला नहीं सकते। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विजधर भुजंग भोजन जिनका। मतलब कर्ण जो है अपनी गिनती गरुड़ के साथ करते हैं और कहते हैं कि उसके जैसे स्वभाव वाले, गरुड़ जैसे स्वभाव वाले मनुष्य जो हैं, वो झंझावातों में भी उड़ते रहते हैं। मतलब कितनी भी समस्याएं होती हैं, वो कभी थक कर बैठते नहीं हैं। पीते जो वारी प्रपातों में, मतलब उनका जो जल है वो भी बारिश के प्रपातों में ही वो पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, मतलब पूरा आकाश जो है उसका निवास करने का स्थान है। विषधर भुजंग भोजन जिनका, मतलब जो सांप है, जो जहरीला सांप है, भुजंग मतलब सांप, वो उनका तो वो भोजन करते हैं। कौन? तो गरुड़, यानी गरुड़ जैसे स्वभाव वाला वो खुद है, उसकी गिनती जो है गरुड़ के साथ करता है। वे ही फणी बंध छुड़ाते हैं, मतलब समस्या और रूपी जो बंधन होते हैं, वो बंधन को ऐसे ही लोग जो हैं वो मुक्त कर सकते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते हैं, मतलब धरती का हृदय जो है वो जुड़ाते हैं, मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं। और कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं गरुड़, मतलब अपनी गिनती जो है गरुड़ के साथ करता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। मैं तो पक्षियों का राजा जो गरुड़ होता है उसके जैसा हूँ। मुझे अपने सिर पर, मुझे अपने मस्तक पर कोई मुकुट नहीं चाहिए, कोई ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, मतलब जिसने मुझे मित्र बनाया है, जिसने मुझे मुश्किल घड़ी में साथ दिया है, ऐसे मेरे मित्र पर विपद यानी समस्या, आज घोर समस्या आ पड़ी है। सकता न किसी विष उसे छोड़, मतलब मैं कोई भी परिस्थिति में मेरे मित्र को छोड़ नहीं सकता। रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको, मतलब मुझे उसके साथ रहकर रण में अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है, उसका हाथ बढ़ाना है। अही पास काटना है मुझको, मतलब मेरे मित्र पर जो बंधन आया हुआ है, मेरे मित्र पर जो समस्या आई हुई है, ऐसे अही पास मतलब मुश्किल रूपी बंधनों को तोड़कर मुझे दुर्योधन को उसमें से मुक्ति दिलानी है। तो यहाँ पर ये काव्य जो है, जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन, पूरा होता है। नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, स्वाध्याय भी है और पंक्तियों के भावार्थ लिखने की बात भी हुई है। तो ये सारा स्वाध्याय आपको होमवर्क में करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता जो है समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताना। धन्यवाद। जय गुरुदेव।